भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो गया है। यह मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की वजह से भारत में काफ़ी गुस्सा है। इसकी वजह से फैंस बीसीसीआई से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज ना खेले। हालांकि इसके बाद भी सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच कानपुर टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश के सुपर फैन की स्टेडियम में फैंस के साथ भिड़ंत हो गई। इस झड़प में बांग्लादेश के सुपर फैन कहे जाने वाले टाइगर रॉबी घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। रॉबी का कहना है कि लंच ब्रेक के दौरान ये घटना हुई और वह अपनी टीम को चीयर करने स्टेडियम में पहुंचे थे। पूरे शरीर पर टाइगर की पेंटिंग लगाने वाले रॉबी हर मैच में बांग्लादेश को चीयर करने के लिए स्टेडियम में पहुंचते हैं। इस मैच में भी वह उसी गेटअप में अपनी टीम को चीयर करने के लिए कारमुन के ग्रीन पार्क मैदान पर पहुंचे थे। रॉबी ने इस घटना के बारे में कहा कि मेरी पीठ के निचले हिस्से पर मारा गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि रॉबी के दावों के बावजूद घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने कथित तौर पर हमले के आरोपों का खंडन किया है। पुलिस रॉबी के आरोपों की जांच के लिए आधिकारिक सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने की योजना बना रही है। रॉबी की बात करें तो वह बांग्लादेश के सबसे बड़े सुपर फैन माने जाते हैं। वह हाथ में टाइगर का टेडी लेकर पहुंचते हैं। रॉबी को इस घटना के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गोद में उठाकर एम्बुलेंस में रखा गया और फिर उनका स्ट्रेचर पर ले जाते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मैच की बात करें तो बारिश की वजह से कानपुर टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का ही खेल हो पाया। बारिश और मैदान गीला होने की वजह से सुबह टॉस समय से नहीं हो पाया। 9 बजे की जगह भारतीय समय अनुसार टॉस सुबह 10 बजे हुआ। इसके बाद खेल की शुरुआत 10:30 बजे हुई। पहले सेशन में पूरा खेल हुआ लेकिन लंच के ठीक पहले बारिश आ गई। बारिश और मैदान गीला होने की वजह से एक बार फिर लंच के बाद समय से खेल शुरू नहीं हो पाया। फिर खेल शुरू हुआ और कुछ ही देर बाद बारिश आ गई। इसके बाद खेल को रोकना पड़ा। फिर खेल शुरू नहीं हो पाया और 3 बजे से पहले ही स्टंप की घोषणा कर दी गई। दिन की खेल की बात करें तो बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बना लिए। टीम के सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन तो खाता भी नहीं खोल पाए। स्टंप के समय मोमिनुल हक 40 और मुस्तफिकुल रहीम 6 रन बनाकर नाबाद है। कप्तान नजमुल हसन सांटो के बल्ले से 31 रनों की पारी निकली। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो आकाशदीप ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भी 1 सफलता मिली है, जबकि सिराज और बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्रमुख बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा को पहले दिन गेंदबाजी नहीं दी। इसके साथ ही इस मैच में अश्विन ने 1 विकेट लिया और टेस्ट में एशिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। एशिया में खेले गए टेस्ट में उनके 420 विकेट हैं, जबकि सबसे ज़्यादा विकेट मुरलीधरन के नाम है। अश्विन ने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम 419 विकेट थे।